आज ट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ अभी डाउनलोड करें हेलो एवरीवन सो इस वीडियो के अंदर हम एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ में चार सेंटेंसेस हैं जो कि जंबल कर रखे हैं और हमें उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर लगाना है क्लियर सो स्टार्ट करते हैं हमें कोई भी पैराग्राफ अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है तो हमें उसके सारे इंसिडेंसेस देखने होंगे और उन्हें फिर अच्छे से समझकर उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमें प्लेस करना होगा कि पहले ये बात हुई उसके 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 बाद ये, उसके बाद बाद समझ में आ गया अब देखो सेंटेंस वन जो है वो क्या है दिस वेदर वेन ऑफन टॉप्स अ चर्च स्पायर टावर और हाई बिल्डिंग अब वेदर स्पेन क्या वेदर वेन क्या होता है वेदर वेन कुछ इस तरीके का देखता है राइट right? जो कि विंड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है हमेशा राइट right? Sentence 6 the weather vane can, however, give us some indication of other. After that, jucha sentences they are only wind vanes. Q, neither alone can tell us. R. They are designed to point to direction from which the wind is coming. Or s hai, just as the barometer only tells us the pressure of air, the weather vane tells us the direction of wind. सो so, देखो सबसे पहले सेंटेंस मन में इन्होंने क्या बोला कि दिस वेदर वेन ऑफ एन टॉपायर टावर और हाई बिल्डिंग राइट आफ्टर दैट एस चॉइस अगर आप देखोगे तो उसमें बताया है कि जस्ट एज बैरोमीटर ओनली of air. The weather vane tells us the direction of wind. विंड जैसे बैरोमीटर हमें प्रेशर ऑफ एयर बताता है वैसे ही वेदर वेन जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ विंड जो है बताता है राइट right? सो so, सबसे पहला सेंटेंस हो गया हमारा एस आफ्टर दैट अब जब हमें पता चला कि ये केवल डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है तो डायरेक्शन ऑफ विंड की बात की गई है क्यू एंड आफ्टर दैट लास्ट दैट दे आर डिजाइन टू पॉइंट टू डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड वो किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो हमें ये बता सके कि कि किस डायरेक्शन से जो है विंड आ रही है क्लियर सो लास्ट हमने किया आएगा जो है वो हमें कुछ इंडिकेशन वेदर के दे सकते हैं कंप्लीट जो है वो नहीं दे सकती क्लियर सो so इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आप सारे इंसिडेंसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा सकते हैं जिससे हमारे पास एक मीनिंगफुल पैराग्राफ मतलब प्रॉपर ऑर्डर में कि जो सारे इंसिडेंसेस है वो हमने ऐसे ही कहीं भी प्लेस नहीं कर रखे हैं क्लियर एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनकर सामने आता है सो एसपी क्यू आर कौन सा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर सो so, ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा क्लियर थैंक यू कक्षा छब्बीस से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट डाप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर